कैसे हैं आप? जैसे कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि करंट अफेयर का सेक्शन से था, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे डाला था उसमें, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो वीडियो मिल जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। तो मैं शुरू करने वाला हूँ नया, फिर एक वही जहाँ पे शुरू फोर्थ पार्ट हुआ था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपने सुना होगा मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग बोला, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने फोर्थ पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे आप वीडियो देखिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैं रिविज़न करूँगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, उसके बाद तब एंड हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फिफ्थ है। मैंने चारों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा प्री नाट बिस का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल, वोक डोर नाट का अवॉइड हार्मफुल हैबिट, डोर बिस यल का प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, ये सब दे रखा है। तो पूछा है स्मोकिंग हो तो हैबिट, हैबिट का पूछा है, हैबिट का कोड, हैबिट का लिए किस कोड का प्रयोग होगा, इसमें से छुपा है। तो मैंने क्या लिखा, सीधा लिखा है प्री नाट बिस, तो मैंने लिख दिया प्री नाट बिस का कोड अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो उसके सामने मैंने उसका अर्थ, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको सिर्फ जो दिया है उसके सामने सामने उसका अर्थ भी लिख देना है। जैसे प्री नाट बिस का अर्थ अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो प्री नाट बिस का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल सामने लिख दिया। वोक डार नाट का अर्थ अवॉइड हार्मफुल हैबिट, सारे जो डेटा दिए हैं उसके सामने सामने लिख देना है। जैसे दिया डोर बिस यल का अर्थ जो है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, डोर बिस यल का है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सामने सामने उतार कॉपी कर देना है। अब नेक्स्ट मैं जो भी बताता जाऊँगा वैसे सेम कीजिएगा, आपका चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बिल्कुल ही आपको बेहद ही आसान लगेगा जिस तरह से मैं बताऊँगा आपको। आपका पूछा क्या जा रहा है, आपका पूछा हैबिट का जा रहा है, तो आपको हैबिट देखना है, हैबिट पूछा जा रहा है हैबिट का, तो आपको हैबिट देखना है, हैबिट कहाँ पर है आपका। तो हैबिट आपको दिख रहा होगा, हैबिट ये है हैबिट, तो आपको हैबिट दिख रहा होगा, आपको हैबिट अंडरलाइन कर देना है। अब आपको ये सबका कोड एक ना किसी के लिए एक है, जैसे एक वर्ड का अल्फ़ाबेट एक कोड के लिए है, इस कोड का दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए है, लेकिन हमें पता नहीं कौन किसका है। तो आपको हैबिट चुनना है, हैबिट आपने चुना, फिर आपको क्या करना है, आपको कैंसिलेशन करना है, मतलब काटना है हैबिट, यानी इसी तीनों में से आंसर होगा। ये तो पता ही चल गया, इसका कोड अगर वोक का डॉर और नोट नाट का अगर कोड ये है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, पहले क्या देखना है, हैबिट लिखा है तो हैबिट को अंडरलाइन किया, जहाँ हैबिट है वहाँ हमने अंडरलाइन कर दिया। अब दो अगर हम कैंसिल कर देंगे जो बचेगा वो उसी का कोड हो जाएगा, वही आंसर। अगर मैंने दो कट कर दिया, दो का कोड मुझे पता चल गया, तो खुद ब खुद तीसरे का पता चल जाएगा। ऐसे आपको करना है, बने रहिएगा, समझना है बस आपको, उसके बाद कुछ नहीं, देर नहीं लगेगी आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपको देखना है यहाँ पे इसका कोड, पहले जिस दूसरे नंबर पे इसका कोड दिया है तो दूसरे का पहले से मैच कराइए, फिर अगर जो मिल जाएगा कॉमन ढूंढना है दूसरे का पहले से, अगर देखिए कोई ज़रूरी नहीं दूसरे का तीसरे से भी देख सकते हैं, हमें काटना ये है। तो अब मैचिंग देखना है कि किसे कराना है। वो डोर नाट कहीं दिख रहा है, नाट नाट यहाँ पे दिखा, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नाट नाट ही कॉमन दिख रहा है यहाँ, प्री है बिस है वो डोर नाट, तो नाट नाट आपको कॉमन दिख रहा है, तो नाट नाट को मैंने कहा। अब नाट नाट का यहाँ पे कोई ना कोई एक होगा, नाट का कोड दिया ही होगा, दोनों अगर नाट है तो एक चीज़ कॉमन मिल जाएगा, देखिए हार्मफुल हार्मफुल। तो आपका अगर नाट का अगर पूछा जाएगा, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में एक पूरा ऐसे दे देता है कि बड़ा क्वेश्चन, और आपको उसमें कर सारे दे तीन चार क्वेश्चन चार पांच क्वेश्चन इसी से दे देते हैं सबका कोड, जरूरी नहीं कि हैबिट का पूछा है नाट का भी पूछ लेगा। तो नाट को मैंने काटा, नाट का कोड है हार्मफुल, तो ये आंसर अगर नाट का पूछा जाता तो आंसर हो जाता हार्मफुल। नेक्स्ट एक कट चुका है, अब मुझे एक और काटना है, इसमें से एक और काटना है, जो एक बचेगा वो खुद ब खुद हैबिट के लिए हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, अब दूसरे को तीसरे से कंपेरिजन कराइए, देखिए कुछ दिख रहा है, डोर दिख रहा है यहाँ पे, डोर दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम को आपको क्या करना है कैंसिलेशन। तो डोर डोर दिख रहा है तो यहाँ पे एक कोई चीज़ कॉमन दिखेगा तो अवॉइड अवॉइड, तो डोर के लिए जो कोड आया है, डोर के लिए जो कोड आया है वो अवॉइड आया है,
डोर के लिए अवॉइड आया, तो अब बचा क्या इसमें, इस सेक्शन में बचा क्या, हैबिट तो बचा ही है, लेकिन क्या बचा है, तो सीधा सीधा ऑटोमेटिकली सीधा वोग बचा है। तो हैबिट का ऑटोमेटिकली कोड, हैबिट का ऑटोमेटिकली कोड वोग हो जाएगा, ये आपका आंसर। साथ साथ अगर नाट का पूछता तो नाट का अगर होता तो हार्मफुल बता देते हैं, अगर डोर का पूछता है तो अवॉइड, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, बैंकिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हैबिट का कोड हो जाएगा वो, पहले मैंने क्या किया, जहाँ हैबिट दिख रहा है मैंने उसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किया। अब कोई ना कोई तीनों में से कोई ना कोई हैबिट का कोड होगा, इन तीनों में से किसी कोई ना कोई कोड होगा हैबिट का। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट को कंपैरिजन करा, सेकंड को कंपैरिजन कराया फर्स्ट से, कि सेकंड में ही हैबिट छुपा है तो उसी से सबका कंपैरिजन कराना है। तो सेकंड को मैंने पहले कराया फर्स्ट से, यहाँ पे क्या दिखा आपका, यहाँ पे नाट नाट दिखा, तो नाट के लिए कोड यहाँ एक कॉमन दिख रहा होगा हार्मफुल हार्मफुल, तो नाट के लिए हार्मफुल कोड हो गया। फिर मैंने सेकेंड को थर्ड से कराया तो यहाँ डोर डोर दिखा, डोर डोर के लिए दिखा होगा अवॉइड हार्मफुल, अवॉइड अवॉइड दिखा होगा, तो डोर डोर के लिए जो कॉमन दिखा यहाँ पे अवॉइड अवॉइड दिखा। तो बचा क्या हैबिट के लिए, तो बचा ये दोनों कट चुके थे, कैंसिल आउट हो चुके थे, क्योंकि नाट का हार्मफुल हो गया था, डोर का अवॉइड हो गया था, बचा क्या वो, तो वो किस हैबिट का कोड क्या होगा वो होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5 है, यानी लास्ट पार्ट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही लगता है, बहुत टफ है, लेकिन कुछ टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, आपने समझ गए होंगे। जैसे मैंने फिर यहाँ पे कॉपी कर दिया कि ज़्यादा समय ना लगे आपको समझाने में। तो देखिए, ऐसे निट SU टिंगो, इसका कोड है सॉफ्टर, इसका अर्थ है, इसका अर्थ सॉफ्टर देन फ्लावर। तो इसका कोड मैंने सामने सामने लिख दिया, सॉफ्टर देन फ्लावर। अब दिया है टिंगो RHO MST का कोड है स्वीट फ्लावर फ्रेगरेंस, टिंगो RHO MST का स्वीट फ्लावर फ्रेगरेंस सामने सामने जैसे लिख दिया। MST स्कोट TMP का अर्थ है स्वीट देन स्माइल, तो उसका है MST स्कोट MP का TMP का कोड है स्वीट देन स्माइल। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है फ्रेगरेंस का कोड क्या होगा, फ्रेगरेंस का कोड पूछा जा रहा है। तो बने रहेगा मेरे साथ बिल्कुल इजीली। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है, पूछा किसके जा रहा है फ्रेगरेंस। तो आपको क्या कर देना है, फ्रेगरेंस को अंडरलाइन कर देना है, दो बार अंडरलाइन कर दिएगा, इससे पता चलेगा कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसी एक सबका कोड मैंने बताया था, सब एक एक अल्फ़ाबेट का एक कोड है, जैसे टिंगो का हो सकता है ये, RHO का हो सकता है ये, और MST एक कोड का लिए एक एक अल्फ़ाबेट का कोड है, एक कोड के लिए एक अल्फ़ाबेट का। तो आपको फ्रेगरेंस यहाँ दिख रहा है, यानी इसमें ही तीनों में से आंसर एक ही है, या तो तीनों में से एक ही आंसर, या तो टिंगो हो सकता है, या तो RHO हो सकता है, या MST हो सकता है। तो फ्रेगरेंस का इन तीनों में से अब क्या करना है, अब पहचानना है आंसर, हमें एग्जैक्ट देखना है, तो अपन कैंसिलेशन करना है। तो आपको डेटा किस में मिला, दूसरे लाइन में, तो जिसमें मिला उससे सबका कंपैरिजन कराए, तो दूसरे में मिला तो दूसरे का कंपैरिजन फर्स्ट से कराए, कोई ज़रूरी नहीं फर्स्ट से थर्ड से भी पहले कर सकते हैं, लेकिन सबसे कंपैरिजन कराना है। अब इन दोनों में कोई कोड कॉमन दिख रहा है, तो हाँ जी हाँ, टिंगो दिख रहा है, यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड में एक कॉमन दिख रहा है, टिंगो, और कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो टिंगो को मैंने कैंसिल किया। अब इसमें भी एक चीज़ कॉमन ही दिख रहा होगा, टिंगो का कोड होगा, जो कि आपको दिख रहा है फ्लावर। तो अगर पूछा जाए आपसे कि टिंगो का कोड क्या होगा, तो टिंगो का होगा फ्लावर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब मुझे एक और काटना है, अगर एक कट जाएगा तो खुद ब खुद जो बचेगा वो उसका आंसर, फ्रेगरेंस जो बचेगा वो खुद ब खुद उसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से एक, इन दोनों में से कोई काटना है, अब इसका कंपैरिजन सेकंड का थर्ड से करना है, पहले सेकंड का फर्स्ट से करा है, फिर सेकंड का थर्ड से। अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जी हाँ, MST दिख रहा है, तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, MST यहाँ दिखा, MST इसको मैंने काट दिया। काटने से ये होता है, कैंसिलेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बाद में आप गलत से लगा दें। तो यहाँ MST दिखा थर्ड में भी, सेकंड में भी MST, यहाँ पे कोई चीज़ दिखेगा कॉमन तो स्वीट दिख रहा है, तो आपका MST कोड हो जाएगा स्वीट। अब दोनों कट चुका है, बचा क्या RHO, और RHO कोड हो जाएगा सीधा बचा फ्रेगरेंस। तो फ्रेगरेंस का कोड क्या हो जाएगा, RHO, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। और प्लीज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल
अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ यूपी ट्रिपल SC वीडियो, चाहे जो भी आगामी होने वाले परीक्षाओं में, सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डील करूँगा। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है तो आप बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।